चलिए आगे आप बढ़ते हैं। सतना से इस वक्त एक बड़ी खबर मिल रही है। सतना में ब्लास्ट कर एटीएम में लूटपाट करने की कोशिश की गई। भिड़सिंहपुर में शिव चौक के पास इस वारदात को अंजाम दिया गया है। पुलिस प्रशासन ने मौके पर पहुंचकर हालातों का निरीक्षण किया। आसपास की दुकानों के सीसीटीवी खंगाले जा रहे हैं तो रात 2:47 पर लूट की गई है। चश्मदीदों का कहना है कुछ प्रत्यक्षदर्शी जो वहां पर मौजूद थे उन्होंने बयान दर्ज करवाया है। 3 बदमाशों ने इस वारदात को अंजाम दिया है। पुलिस पर समय से नहीं पहुंचने का भी इस दौरान आरोप लगा। सतना, अमरपाटन, पन्ना में पहले लूट हो चुकी है। मंडला, जबलपुर में भी लूटपाट की कई वारदातें सामने आ चुकी हैं और एक बार फिर से यहां पर पुलिस पर आरोप लग रहे हैं कि पुलिस वक्त रहते नहीं पहुंची। तो पुलिस प्रशासन ने हालांकि अब जाकर हालातों का निरीक्षण किया है। आसपास की दुकानों के सीसीटीवी खंगाले जा रहे हैं लेकिन ये रात 2:47 की वारदात है ऐसा चश्मदीद बता रहे हैं। 3 बदमाशों को हालांकि संज्ञान में लिया गया है जो उन्होंने वारदात को अंजाम दिया था लेकिन अभी तक गिरफ्तारी नहीं हुई है। ज्यादा अपडेट के लिए मेरे सहयोगी रघुराज की तरफ रुख करते हैं। रघुराज ये बताएं एक बार फिर से पुलिस की कार्यशैली पर सवाल उठ रहे हैं कि पुलिस समय रहते पहुंच नहीं पाई, कितने की लूटपाट करने की यहाँ पे कोशिश की गई और फिलहाल क्या बदमाश पुलिस की गिरफ्त में है? जी अभी तक तो पुलिस के हाथ खाली है। मैं बता दूं लगभग ये 2 रात की घटना है और जब स्थानीय लोगों ने सूचना दी उसके लगभग 30 से 40 के बाद पुलिस मौके पर पहुंची। लोगों का कहना कि अगर समय पर पुलिस रात्रि घेराबंदी कर देती तो संभवतः आरोपी पकड़े जाते, पर क्योंकि दरसिंहपुर का क्षेत्र था उससे लगा हुआ चित्रकूट का जंगली क्षेत्र है उधर यूपी का क्षेत्र है तो ऐसी आशंका जताई जा रही है कि इसका फायदा उठाकर जो है जो आरोपी है वो बाहर निकल गए हैं। हालांकि पुलिस का कहना कि हमने चारों तरफ से जाल बिछा रखा है, सघन सर्चिंग की जा रही है, आरोपी पकड़े जाएंगे लेकिन अभी तक कोई नहीं पकड़े गए हैं। जो बैंक के अधिकारी अभी तक जो वरिष्ठ अधिकारी मौके पर नहीं पहुंचे, पर प्रथम दृष्टया ऐसा बताया जा रहा है कि बैंक में जो लगभग 1.5 से 2 लाख का जो कैश था वो पूरा आरोपी जो भी बदमाश थे वो उड़ा कर ले गए हैं। और इस तरह की घटनाएं तो पहली घटना वहां नहीं हुई, लगभग जिले में 2-3 घटनाएं और हो चुकी है लेकिन उसके भी आरोपी नहीं पकड़े जा चुके हैं। जी बिल्कुल, और ऐसे कहीं ना कहीं पुलिस की जवाबदारी इसमें बनती है क्योंकि पहले भी ऐसी घटनाएं हो चुकी हैं और एक बार फिर से ऐसी घटना को अंजाम दिया गया है। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो रात करीबन 2:47 का ये पूरा घटनाक्रम, ब्लास्ट कर एटीएम से लूटपाट करने की कोशिश की गई, हालांकि आरोपी जो है वो पुलिस की गिरफ्त से दूर है अभी।